कोल इंडिया को विखंडन करने को लेकर जिस तरह से साजिश रची जा रही है, उसको लेकर अब श्रमिक संगठन भी प्रबंधन के साथ आमने सामने भिड़ने को तैयार हैं। इसको लेकर डकरा वीआईपी क्लब में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें कोल इंडिया के विखंडन करने की नीति का विरोध किया गया है। इस दौरान सभी लोगों ने कहा कि यदि कोल इंडिया का विखंडन किया जाता है तो इसके लिए सभी मजदूर जोरदार आंदोलन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमिक नेता ललन सिंह जबकि संचालन सुनील सिंह ने किया। इस मौके पर सीटू के वरिष्ठ नेता बलिराम सिंह, एटक के नेता प्रेम कुमार, कृष्णा चौहान, सुनील सिंह, गोल्डेन यादव, बहुरा मुंडा, अमृत भोक्ता, रामलखन गंजू समेत काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेल का इंक्वायरी विभाग प्राइवेटीकरण की तरफ है, गैस मिल गया, उनका एक पार्ट खुश हो गया कि गैस मिल गया, पार्ट खुश हो गया। आज 3 तलाक बिल हुआ, उनका वोट बैंक बन गया। मान लीजिए हम लोग लड़ाई करते जिंदाबाद, इंडिया का निवेश बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑल इंडिया का निवेश करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज संयुक्त मोर्चा का आपात बैठक चल रहा है, जो कोल इंडिया पर फरमान जारी हुआ है भारत सरकार का, श्रम विरोधी जो नीति और ला रहे हैं, जो कटौती कर रहे हैं, 44 में 4 कर रहे हैं, प्लस खंडन कर रहे हैं कोल इंडिया को, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, ये सब को एक तरफ, घाटे वाले कंपनी को एक तरफ और बाकी फायदे वाले को एक तरफ, उसी का विरोध प्रदर्शन में हम लोग लगे हैं। पूरा कोल इंडिया लगा है और पुरजोर इसका विरोध होगा। और ईंट से ईंट बचाने का काम अब की मजदूरों ने दमखम भरा है। और जब कोल इंडिया का मजदूर अंगड़ाई लेता है, जब भी लिया है कोयला श्रमिक तक, तो सरकार को झुकना पड़ा है। जब इंदिरा जी की सरकार था तो उस समय भी मजदूरों ने लड़ने का काम किया और लड़कर सरकारीकरण किया। उस समय इंदिरा जी क्या सोच के राष्ट्रीयकरण की, आज आने वाला ये सरकार मोदी सरकार लोग भजते रहे, आज मोदी सरकार माने मजदूर का ही विरोधी, एकदम विरोधी निकला। इसलिए साथियों से आग्रह है, तमाम कोल इंडिया से, सीसीएल से, तमाम साथियों से आग्रह है कि सारा भेदभाव को भूलकर, किसी प्लेटफॉर्म को भूलकर 72 और 73 वाला आंदोलन करें और अपने हक और हुकुम के ये के लिए लड़ाई आंदोलन करते रहें और इसको सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत।